हाँ, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार, आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जुड़े बात करेंगे इंट्राडे जैकपॉट स्ट्रेटजी के बारे में, जैकपॉट कॉल किस तरीका से काम करता है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चले फ्रेंड वीडियो की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं जो है माइंड ट्री के चार्ट पे हूँ और यहाँ पे हम लोग, जैसे कि आप वीडियो देख पा रहे होंगे कि कल कहाँ पे ट्रेड करे, उसमें मेरा ये स्टॉक था, ठीक है, उसमें ये मेरा स्टॉक था और यहाँ पे हम लोग उसी में ट्रेड करते किए हैं और वहां पे प्रॉफिट अच्छा खासा बना भी है। तो चलिए देखते हैं कैसे किए थे। तो सबसे पहला हम लोग को बात करनी है कि इसको हम लोग कहाँ पे ट्रेड किए, तो उसको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये मेरा चैनल है टेलीग्राम पे और वहां पे मैंने जो कॉल है दिया था और ये कॉल देखिए यहाँ पे 757 रुपये पे बाई करने को बोला गया है, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि 774 पे कुछ क्वांटिटी को बुक कीजिए। टारगेट कंप्लीट कर लिया है, जब ये 774 पे ऊपर गया मैं बोला हूँ टारगेट कंप्लीट कर लिया है और यू कैन ट्रेल स्टॉप लॉस। मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करवाया, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करवाया और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप जो देखिएगा वो लिखा हुआ है और बुक और प्रॉफिट CMP 773 रुपया। तो ये तो एक बेसिक सर आ, देखिए कल भी जो दिया था वो भी देखिए यहाँ पे जैकपॉट हुआ था। तो ये पारदर्शिता होती है, यहाँ पे लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं। अब इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, है टेलीग्राम चैनल का, अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक वहां पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप थोड़ा सा समझते हैं कि ट्रेड किया कैसे किया गया। देखिए हर के पीछे लॉजिक होनी चाहिए, ठीक है, लॉजिक होना जरूरी है। अब हमको सबसे पहला, जैसे मैं इसको इसलिए दिया हूं क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि ये जो भी जो ये 700 का जो सपोर्ट है जो खड़ा है, इसको अगर नीचे जाना भी है ना तो एक बार ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, नीचे ऊपर जाएगा देर से करके इसे ब्रेक करेगा। तो इस तरीका से मेरा ये ऑब्जर्वेशन था। तो ये जो कैंडल बना, ये कैंडल हमको कुछ दिया कि हाँ भैया अब यहां से थोड़ा सा ऊपर जरूर जाएगा, जाए जैसे जाए, मैंने इसको वॉचलिस्ट में दिया था। और इसको थोड़ा सा आइए और थोड़ा सा बात को समझिएगा। अब देखिए क्या होता है, अब तो लगेगा कि यार क्या नीचे आया है, मगर देखिए यहां से क्या ऊपर भी गया है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, इस चीज को समझिए। अब हम लोग जो ट्रेड किए, ठीक है, हम लोग जो ट्रेड किए हैं थोड़ा सा देखिएगा, 57 पे मैं बोला हूं, अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं, 757 पे ड्रॉ करता हूं। अब चूंकि हमको जो था यहां पे करनी थी, 54 पे प्राइस मिस हुआ, मैंने दिया। अब ये यहां पे मैंने कॉल दिया 57 पे, सीधा सीधा ऊपर गया, फिर आया, एक पूरा अच्छा कैंडल बना है और आप देखिएगा तो इसी प्राइस पे इसको रुक गया। अब इस प्राइस पे रुका तो और कंफर्मेशन हो गया हमको कि भैया अब इसको और ऊपर जाना पड़ेगा। एक कैंडल आके यहां पे टेस्ट कर लिया, इसका मतलब कि भैया और ऊपर जाएगा, अब यहां से ऊपर जाने लगा, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। जब यहां पे गया तो मैं बोला कि भैया टारगेट के पास पहुंच गया। अब टारगेट कैसा थोड़ा सा समझिएगा, अब टारगेट ऐसा थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसको 200 मूविंग एवरेज आप ध्यान से देखिएगा तो ये जाके 200 मूविंग एवरेज पे जाके इसने रेजिस्टेंस लगा रहा था। तो 200 EMA लाइन के जाके रेजिस्टेंस लगा रहा था, तब मैंने वहां पे जो लिखा ना कि टारगेट कंप्लीट कर लिया, तो हमको ये पता हो गया कि भैया इसको जहां जाना था वो जा चुका है, अब नीचे आएगा। देखिए क्या है कि हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं इंपोर्टेंट प्राइस को पकड़ते हैं, इंपोर्टेंट प्राइस हमको ये दिख रहा था। अब ये प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट पे भी इसको आप बोल सकते हैं, बट इस पे ब्रेकआउट पे तो सबसे पहले आपको फिल्टर करना होता है कि कहीं फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, कभी कभी जाता फ्रांस नीचे आ जाता है, जाता है तुरंत नीचे चला जाता है। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, मैं बात की चीजें बता दे रहा हूं कि ये गया यहां पे हमको पता चल गया, अब इसको नीचे आना था नीचे आया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो हम लोग लेवल जो यहाँ पे मार्क किए थे
उसी लेवल पे आया, जाके टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। अगर इसको नीचे भी गिरना था तो मौका दिया, नीचे जाएगा। अब बात है कि क्या यहाँ पे सेल करना था, बिल्कुल कर सकते थे, ऐसा नहीं है, बट मैंने नहीं किया। मैंने इस पे इसी तरीका से ट्रेड का प्लान किए थे कि अगर एक क्लोजिंग के नीचे ओपन हो जाए, कल की क्लोजिंग के नीचे अगर ओपन हो के अगर ऊपर जाएगा तो हम इसको बाय ही करेंगे। अगर ये ओपन इधर हो जाता, अगर ओपन ही इधर होता तो इसमें हम कल बाई करते हैं, आज सॉरी आज बाई करते ही नहीं, इसमें हम लोग सीधा सीधा शॉर्ट सेलिंग में ही जाते, क्योंकि एक निगेटिव ट्रेंड था। तो हम लोग जो ट्रेड करते हैं अपने प्लान को ट्रेड करते हैं, हम लोग जो प्लान किए हैं हम उसको ट्रेड करेंगे। अरे इतना स्टॉक है, आप कहाँ पे स्टॉक ढूंढते चलिएगा? आप अपना एक कैटेगरिया तय कीजिए कि आपको कल इस स्टॉक में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ये क्या कल कर सकता है, कहाँ पे क्या मौका दे सकता है। जब आप ये सारी चीजों को समझेंगे तब आप एक अच्छा ट्रेडर बनेंगे। बहुत से लोग यहां पे भी सेलिंग किए होंगे, क्या गलत है? क्या बिल्कुल नहीं गलत है, यहां पे तो बिल्कुल गलत नहीं है। तो ये यहां से हम लोग किए थे क्योंकि हमको पता था कि इसको ऊपर जाएगा और यहां तक तो मैं भी चला ही जाए, ऐसा मेरा अनुमान था, इसलिए मैंने इसको कॉल दिया और बहुत से अच्छा लोग इसको रिस्पॉन्स भी किए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो शॉर्टकट आपको होगा, इस सारे की चीजें बहुत एनालिसिस होती है कि इसका क्लोजिंग के नीचे ओपन होने के लिए मैंने क्यों ऐसा किया, ये यहाँ तक ही क्यों आया, फिर ये यहाँ तक, क्योंकि हर के पीछे रीजन है। आप वो रीजन को कितना अच्छा से समझ पा रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। चार्ट बनने के बाद तो छोटा बच्चा को बैठा दीजिए, बोल देगा कि भैया ये यहाँ पे सेल कर दो तो यहाँ पे सेल करता, क्या प्रॉफिट बना है, या बहुत तमाम तरीके चीजें, बस समझ रहे हैं, तमाम तरीका की चीजें आपको लोग बता देंगे। चार्ट बंद होने के बाद तो भैया बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, चार्ट बनने के बाद बहुत आसान है, जितना आसान है चार्ट बनने के बाद उतना उससे कहीं ज्यादा कठिन है चलते मार्केट में डिसीजन लेके ट्रेड कर लेना। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप एनालिसिस बेस्ड ट्रेड कीजिए, और मैं इसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं कि भैया यहां पे लगातार लगातार प्रॉफिट की जा सकती है, लगातार प्रॉफिट हो रहा है। अब वीडियो को फॉलो कीजिएगा, आपको हमेशा आपको वीडियो मिलता है, लगातार प्रॉफिट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।